तीन रिमाइंडर मैगजीन है जिसमें साल भर की घटनाओं को कवर किया गया है। इसमें हम महत्वपूर्ण पुरस्कारों की बात करेंगे क्योंकि राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जितने भी पार्ट होते हैं मैगजीन की, उसका डिस्कशन हम पहले के वीडियो में कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं लिंक के माध्यम से, अथवा आई बटन के द्वारा भी आप उस प्लेलिस्ट तक जा सकते हैं। आइए इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं कि 29 मई 2020 को किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को वर्ष 2019 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका उत्तर होगा मेजर सुमन गवानी, जिन्हें यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और अगला है कि मई 2020 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किसे द्वितीय विश्व युद्ध मेडल पुरस्कार प्रदान किया। तो ये प्रदान किया गया है उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को। और आप सभी जानते होंगे कि किम जोंग उन हमेशा जो है मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। अप्रैल 2020 में किस भारतीय को जापान के प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसका नाम है निकोकेई एशिया प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो IIT मद्रास के प्रोफेसर डॉक्टर थलापिल प्रदीप को ये पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। और अगला है कि अप्रैल 2020 में किस प्रसिद्ध बायोटेक्नोलॉजिस्ट को बायोटेक्नोलॉजी में किए गए अनुसंधान के लिए श्री ओम प्रकाश भसीन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किए करने के लिए चुना गया है। तो श्री ओम प्रकाश भसीन पुरस्कार, जो कि बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च अनुसंधान के लिए दिया जाता है, ये 2019 का पुरस्कार दिए जाने के लिए चुना गया है प्रोफेसर असद उल्लाह खान को, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं। 11 मई 2020 को कौन भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सानिया मिर्जा, जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो अवार्ड जीता है उसका नाम है फेड कप हार्ट अवार्ड 2020। और इसी के साथ में नेक्स्ट है कि मई 2020 में किस भारतीय पत्रकार को मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाने के लिए ड्यूस वेले फ्रीडम ऑफ द स्पीच अवार्ड 2020 के लिए चुना गया। तो देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के लंबे समय से जो है डिस्कशन होता रहता है। हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के सब क्लाज ए में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिक्र अवश्य है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक अवार्ड है जिसका नाम है ड्यूस वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड, ये किसे चुना गया है इसके लिए। तो इसके लिए चुना गया है सिद्धार्थ वरदराजन को। और सिद्धार्थ वरदराजन द वायर के संस्थापक हैं। द वायर जो है एक यूट्यूब पे चैनल भी है, आप सर्च कर सकते हैं, उसके बाद में एक न्यूज़पेपर भी निकलता है, तो इसी के संस्थापक हैं, इनको इस अवार्ड के लिए चुना गया है। मई 2020 में किसे वर्ष 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है, यानी कि नैनो साइंस टेक्नोलॉजी में यंग कैरियर अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो IIT मुंबई के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को ये अवार्ड प्रदान किए जाने के लिए चुना गया है। और यानी कि अब अवार्ड को प्रदान भी किया जा चुका होगा, चूँकि वीडियो अब शूट हो रहा है और घटना कब की है। 4 मई 2020 को वर्ष 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इस वर्ष फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में किन तीन भारतीय फोटोग्राफरों को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। क्योंकि पुलित्जर पुरस्कारों से जो भी अवार्ड होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, फोटोग्राफी की श्रेणी में एक का नाम है चन्नी आनंद, दूसरे का नाम है मुख्तार खान और तीसरे का नाम है यासीन डार। फोटो एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस से क्या कहते हैं संस्था है, इनसे तीनों लोगों का संबंध है। 2020 के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। और अगला है कि 30 अप्रैल 2020 को किसे वर्ष 2020 के यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका उत्तर होगा कोलंबिया की प्रसिद्ध खोजी पत्रकार जिनका नाम है जिनेथ बेडोया लिमा। देखिए, इस तरह के सवाल क्या है ना कि कभी कभी PCS जैसी परीक्षाओं में मिलान करने के लिए बहुत ज़्यादा आता है, ध्यान रखना है। इसलिए मैं बहुत जो है सीधा लाइन पढ़ने की कोशिश करता हूँ, बहुत ज़्यादा सवाल को जो है डिस्क्रिप्टिव नहीं करता हूँ, ताकि आपके माइंड में जो है वो लाइन टू लाइन बना रहे। अप्रैल 2020 में किसे पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था जिसका नाम पेटा इंडिया है, इसको हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। यानी कि पेटा इंडिया के द्वारा एक हीरो टू एनिमल्स अवार्ड दिया जाता है, इसके लिए चुना गया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। और पेटा इंडिया करती क्या है, ये पशुओं के अधिकारों के लिए कंटिन्यू जो है संघर्ष करती है। देखिए, इस वीडियो का PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप का, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर प्रत्येक वीडियो के आपको PDF मिल जाया करेंगे। धीरे धीरे करके पूरी ई दृष्टि रिमाइंडर का PDF वहाँ पर डाला है, कई लोग हमसे मांग चुके हैं, मैंने डाल भी दिया है पार्ट वाइज करके। अगला सवाल देखते हैं कि मार्च 2020 में किसे सिनेमा के जरिए विश्व पर्यटन में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा जोया अख्तर, जो कि प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निर्देशक भी हैं। नेक्स्ट है कि 20 मार्च 2020 में
के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान हेतु किसे वर्ष 2019 का 29वां जीडी बिड़ला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये प्रदान की गई है प्रोफेसर रूप मलिक को। और अगला है कि 8 मार्च 2020 को किस बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो 2019 का ये प्रदान किया गया है किसको? पीवी सिंधु को, और जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। देखिए यहाँ पर नाम से भी रिलेट करने के लिए आ जाता है, मिलान करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया। तो बैडमिंटन खिलाड़ी अगर दे दें एक साइड में और एक साइड में दे दें पीवी सिंधु, तो आप मिलान कर सकते हैं किससे होगा। और अगला है कि 3 मार्च 2020 को प्रतिष्ठित प्लिटजर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो डबलिन, जो कि आयरलैंड में है, के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट यावोन फारेल एवं सैली मैक नमासा को प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर दो नाम है, ध्यान रखिएगा, एक का नाम क्या है, एक का नाम है यावोन फारेल और दूसरे क्या है, सैली मैक नमासा। 28 फरवरी 2020 को इंडिया फाउंडेशन एवं इंडिक अकादमी के सहयोग से स्वराज अवार्ड प्रदान किया गया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा दो संस्थाएं हैं, एक का नाम है इंडिया फाउंडेशन और दूसरा है इंडिक अकादमी, दोनों के सहयोग से एक अवार्ड प्रदान किया गया है जिसका नाम है स्वराज अवार्ड। कह रहे हैं कि इस अवार्ड के तहत, यानी कि स्वराज अवार्ड के तहत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड फॉर पॉलिटिक्स किसे प्रदान किया गया है? तो स्वराज अवार्ड के तहत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड फॉर पॉलिटिक्स ये सर्वानंद सोनोवाल को प्रदान किया गया है, जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अगला है कि 23 फरवरी 2020 को किस महिला वैज्ञानिक को SIRB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो उसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नीति कुमार। यहाँ पर देख सकते हैं मॉलिक्यूलर पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी प्रभाग की वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, जो कि नाम है इनका डॉक्टर नीति कुमार। नीति आयोग से आप डॉक्टर नीति कुमार का नाम याद रख सकते हैं। 22 फरवरी 2020 को कौन लीवा मिस दीवा, ध्यान से नाम सुनिएगा, लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2020 की विजेता बनी है। तो लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2020 की विजेता बनी है एडलिन कैस्टेलिनो, जो कि कर्नाटक राज्य के मंगलुरु से संबंध रखती हैं। 20 फरवरी 2020 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड का समारोह का आयोजन जो है ये मुंबई में किया गया। एक तो सवाल यही पूछा जा सकता है कि ये आयोजन हुआ कहाँ पर था, तो ये हुआ है मुंबई में। इसमें किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है ऋतिक रोशन को। और नेक्स्ट है कि इसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उसका उत्तर हो जाएगा सुपर 30। और इस फिल्म में जो है ऋतिक रोशन ने ही सुपर 30 के जो संस्थापक हैं, जो कोचिंग है आनंद कुमार, उनके ऊपर जो है ये मूवी बनी हुई है। तो यहाँ पर दोनों का संबंध जो है वो ऋतिक रोशन से ही है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ फिल्म। ठीक है, अगला है कि फरवरी 2020 में किस भारतीय को इजराइल स्थित संस्था जिसका नाम डैन डेविड फाउंडेशन है, इसके द्वारा डैन डेविड फाउंडेशन द्वारा एक अवार्ड प्रदान किया गया है जिसका नाम है डैन डेविड प्राइज 2020। तो प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, यानी कि फरवरी 2020 में किस भारतीय को इजराइल स्थित संस्था डैन डेविड फाउंडेशन द्वारा डैन डेविड प्राइज 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो उसका उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर गीता सेन। 15 फरवरी 2020 को 65वें फिल्म फेयर अवार्ड वितरण समारोह का आयोजन इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी में किया गया। इसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा गली बॉय, जिसके निर्देशक थे जोया अख्तर। यहाँ पर फिर से ध्यान रखना है, ये समारोह क्या है, उसका नाम है 65वां फिल्म फेयर अवार्ड, जिसमें क्या कहते हैं कि गली बॉय को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और संपन्न ये कहाँ पर हुआ था, तो इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम, जो कि गुवाहाटी में पड़ता है। अब आगे के सवाल को भी 65वें फिल्म फेयर अवार्ड से ही रिलेटेड है, उनको देखेंगे। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उसमें प्रदान किया गया है रणवीर सिंह को, और फिल्म का नाम है गली बॉय, यानी कि उसी फिल्म के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ है आलिया भट्ट को, और फिल्म गली बॉय ही है, यानी कि आलिया भट्ट जो है गली बॉय फिल्म में ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ है रणवीर सिंह को। अगला है कि 10 फरवरी 2020 को 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? उसका उत्तर हो जाएगा पैरासाइट, जिसके निर्देशक कौन थे, तो निर्देशक का नाम था बांग जून हो। और अगला है कि 92वें ऑस्कर पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जोकर फिल्म में जो है बतौर अभिनेता रोल निभाने वाले जोकिन फिनिक्स को प्रदान किया गया है। नाम ध्यान रखिएगा, थोड़ा इंग्लिश नाम है, नाम क्या है, जोकिन फिनिक्स। नेक्स्ट है कि 92वें पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो प्रदान किया गया है जूडी फिल्म के लिए, जिसमें अभिनेत्री का नाम है रेनी जेलवेगर। 6 फरवरी 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने
किसे व्यक्तिगत श्रेणी में लेप्रोसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर NS धर्मसत्तु। सत्तु नाम है इनका, धर्म सत्तु नाम है, ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा, डॉक्टर NS धर्मसत्तु। जनवरी 2020 में किसे 25वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा राहुल सिंह, जो कि रांची के युवा लेखक एवं आलोचक हैं। अगला है कि 3 फरवरी 2020 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को पुरस्कार प्रदान किया। इसमें 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में किस राज्य को पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है? देखिए, प्रश्न का मेन रोल ये है, यानी कि मेन कीवर्ड जो है वो ये है कि 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले किस केंद्र शासित प्रदेश में किस राज्य को पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर 1 करोड़ की आबादी वाला ये जो पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य है उसका नाम है MP, यानी कि मध्य प्रदेश। 2 फरवरी 2020 को 73वें बाफ्टा पुरस्कार का वितरण लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में किया गया। इसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? कह रहे हैं कि इसमें किस फिल्म को, तो इसका नाम है 1917, ये मूवी का नाम है। और अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है। 2 फरवरी 2020 को 73वें बाफ्टा अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देखिए, इनका नाम मैं पहले भी ले चुका हूँ, इनका नाम है जोक्विन फिनिक्स, और किस फिल्म के लिए? जोकर फिल्म के लिए। 28 जनवरी 2020 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द नामित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संविधान। अगला सवाल देखते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट सवाल है, कि 2 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्यों को वर्ष 2017-18 के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें किस राज्य को कुल खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 1 में कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया? यानी कि कुल मिलाकर के ये है कि कृषि कर्मण पुरस्कार 2020 का किसे प्रदान किया गया है? तो ये 2020 का आंध्र प्रदेश को प्रदान किया गया है। तो चैनल आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपके काम का ये चैनल है, और इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और अपने कमेंट जो है आप हमें सुझाव में बताइएगा, ताकि हम वीडियो की गुणवत्ता को और अधिक से उच्च स्तरीय बना सकें। और PDF इसका जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का ग्रुप लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर डाला हुआ है।